रिव्यू करने वाली हूँ कुछ टिन्स. दीज ऑल आर फ्रॉम पेरीपेरा. पेरीपेरा इज अ पॉपुलर कोरियन ब्रांड जो कि एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो गया है इंडिया में ओनली ऑन मैक्रॉन वेबसाइट. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करें और देखें क्या क्या पेरीपेरा प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं. दे आर सो गुड. तो आपको जैसे पता होगा कोरियन मेकअप बहुत ज्यादा टिंट्स के लिए पॉपुलर होता है एंड पर्सनली मुझे भी टिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. मैं ब्लशर से ज्यादा प्रिफर करती हूँ टिंट्स को क्योंकि उनका स्टे बहुत ज्यादा होता है, इजिली ब्लेंडेबल होते हैं एंड उसके 2-in-1 बेनिफिट्स होते हैं कि आप उसको एज अ लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ ब्लशर भी यूज कर सकते हैं. And it is very easy to carry. बहुत tiny होते हैं, tiny bottles में आते हैं तो आप बहुत easily carry कर सकते हैं. तो आज के video में मैं आपको 6 tints दिखाने वाली हूँ और मैं सबके price screen पे mention करूँगी, सबके shades screen पे mention करूँगी, आपको hand swatch करके दिखाऊंगी, lip swatch करके दिखाऊंगी, cheeks पे भी use करके दिखाऊंगी and आपको मैं उसका थोड़ा details दूंगी कि वो tint की consistency कैसी है, stay कैसा है. तो video को लंबा करे बगैर start करते अपने video. Let's get into this video. So, सबसे पहले जो मैं आपको टिंट दिखाने वाली हूँ वो है पेरीपेरा इंक टैटू. मेरे पास जो शेड है वो है 01 किंग पिंक एंड ये इस तरीके से एक पैकेजिंग में आता है जो कि बहुत ही ग्लोई एंड ब्राइट पैकेजिंग है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी. दिस इज द टिंट. ओ वाओ, आई लव द कलर. अब मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ. वाओ, so pretty. It's a fuchsia pink. So सबसे पहले मैं इसको अपने lips पे try करूँगी. मैंने lips पे कोई lipstick नहीं use करी है, कोई moisturizer नहीं है. Let's see how is the pigmentation. I like the color. मेरे lips काफी moisturize हो गए हैं इसको लगाने के बाद. बिल्कुल भी चैप्ड लिप्स या फिर थोड़ा ड्राइनेस बिल्कुल नहीं लग रही, बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं है. सो मुझे अच्छा लगा इसका फॉर्मुलेशन. सब ट्राई करते हैं अपने चीक्स पे और देखते हैं कि इसका कलर चीक्स पे कैसा लगता है. मैं बहुत थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि इट इज वेरी पिगमेंटेड. काफी नेचुरल लग रहा है. फिनिश इसकी एकदम मैट है एंड इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल है. इट रिटेल्स फॉर ₹530 ओनली. सो कई बार लोगों को लगता है कि टिंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप ये भी सोचो कि टिंट्स बहुत कम अमाउंट यूज होते हैं. जैसे कि चीक्स में मैंने जस्ट एक दो ड्रॉप्स ही लगाई हैं एंड इतना अच्छा कलर आया है. इससे ज्यादा मैं लगाऊंगी तो इट विल लुक ऑड. सो इट्स ब्यूटिफुल. पेरीपेरा टिंट्स में मुझे ये वाला इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो ये बहुत अफोर्डेबल है, 500 के अराउंड इसका प्राइस है, क्वांटिटी काफी ज्यादा है 5.5 ग्राम्स एंड बिल्कुल मैट फिनिश है, बिल्कुल शिमर नहीं है, नेचुरल लुक देता है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है. तो एक ही बॉटल आपकी काफी टाइम तक चल जाएगी. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिंट पे जो कि है इंक सीरम टिंट फ्रॉम पेरीपेरा एंड द शेड आई हैव इज 10 सो रास्पबेरी. This is how the packaging looks like and I think it's so cool. Bottle is super cute. ये tint मुझे पेरीपेरा का इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसकी जो consistency है वो बिल्कुल watery है. Pigmentation सारे ही tints का अच्छा है. आपके skin को बहुत ज़्यादा moisturize करता है and सबसे अच्छी बात इस tint की है कि ये थोड़ा dewy finish देता है. अगर आपको skin अपनी थोड़ी wet look, थोड़ा shiny look देना है तो this tint is best for you. So आपको मैं पहले swatch करके दिखाती हूँ. And I love the color. तो जैसे कि इसका नाम है इंक टिंट सीरम, इसकी कंसिस्टेंसी इसको बिल्कुल जस्टिस करती है इसके नाम को क्योंकि ये सीरम जैसी ही कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल स्मूथ. सो पहले मैं आपको अपने चीक्स पे साइड ट्राई करके दिखाऊंगी. आप देखो कि कितना डूई एंड वेट लुक देता है ये टिंट. सो मैं इसको डायरेक्ट अपने स्किन पे ही लगाऊंगी. आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे एकदम से शाइन आ गई है, ग्लो आ गया है. सो ये मेरी स्किन को काफी मॉइस्चराइज करता है. अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है, अब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी ड्राई रहेगी आपकी स्किन, तो ये टिंट आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज रखेगा एंड एकदम आपकी स्किन को ग्लोई एंड शाइनी लुक देगा. सो कैन यू सी माई स्किन इज सो लुकिंग सो गुड. आई लव दिस टिंट. तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिंट पे जो कि है पेरीपेरा इंक एरी टिंट.
This is how the packaging looks like. And the shade I have is 04, pretty pink. And this is how the bottle looks like. The bottle is again super cute. And ये एक translucent bottle है जिसमें आपको shade visible होगा. इस tint को मैं आपको पहले swatch करके दिखाती हूँ. कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसका कलर थोड़ा कोरल कलर है विद अ हिंट ऑफ पिंक. सो दिस इज़ अ वेरी गुड शेड फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स और फॉर पीपल हु प्रिफर लाइट शेड्स. वेरी गुड शेड. एंड इस टिंट में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि ये बहुत ही स्मूदली ब्लेंड होता है आपकी स्किन पे. बहुत ही लाइक मूज फाउंडेशन का टेक्सचर आपको पता होगा. मूज फाउंडेशन कितना इजीली ब्लेंड होता है तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ऐसी ही है. बहुत ही स्मूदली ब्लेंड हो जाता है. सो इट मॉइस्चराइज योर स्किन. इट गिव्स यू अ मैट फिनिश एंड इट ग्लाइड्स ऑन योर स्किन सो स्मूदली. अब मैं आपको इसको अपने लिप्स पे एंड चीक्स पे ट्राई करके दिखाती हूँ. Oh my god. Wow. Suddenly मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लिप्स काफी प्लम्ड दिख रहे हैं. Wow. Blending so smoothly. So smooth. आपको मैं अपने हैंड्स पे इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ. इट्स सो गुड. देखा आपने कितनी इजीली ब्लेंड हुआ है. एंड आई एम लविंग पेरी पेरा टिंट्स. मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं पेरी पेरा टिंट्स. एंड सबसे बड़ी बात, जो टिंट्स होते हैं कई बार जब आप डायरेक्टली अपने चीक्स पे यूज करते हो तो वो पैच छोड़ देते हैं, स्टेन छोड़ देते हैं. लेकिन ये वाला इज इतना गॉर्जियस कलर है, इतना अच्छा फॉर्मुलेशन है पेरी पेरा के टिंट्स का. आई लव इट. इसका जो प्राइस है वो है ₹690, बट ट्रस्ट मी गाइज इट इज वर्थ बाइंग. और अगर आप इसको एक बार ट्राई करोगे तो यू गोना लव इट सो मच. ये आपके फेवरेट टिंट्स में जरूर ऐड हो जाएगा. दिस इज सो गुड. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिंट पे. पेरी पेरा इंक वेलवेट. द शेड आई हैव इज 05 कोरल फिशल. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. सो पहले मैं आपको स्वैच करके दिखाती हूँ. दिस इज सो पिगमेंटेड. ओ गॉड. आप देख सकते हो एक स्ट्रोक में इसका कलर. देखो वाओ. सो आपने देखा जस्ट एक स्ट्रोक था एंड इसका कलर इतना ज्यादा पिगमेंटेड है. पिगमेंटेशन इसकी अभी तक सबसे ज्यादा थी. एंड अब मैं आपको इसको अपने चीक्स पे एंड लिप्स पे ट्राई करके दिखाती हूँ. सो मेरे लिप्स पे कोई लिपस्टिक नहीं है और अब मैं इस टिंट को ट्राई करूंगी जो कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है कोरल कलर है. ओ माय गॉड. वाओ. दिस कलर इज सो पिगमेंटेड एंड इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक कंसिस्टेंसी है. आई थिंक इसी की वजह से इसका कलर बहुत ज्यादा आ रहा है. सो अब आप इसको चीक्स पे ट्राई करके देखते हैं एंड लेट्स सी. वाओ. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिंट पे. दैट इज इंक एरी स्टिक. दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. द शेड आई हैव इज 08 वॉर्मी रेड. दिस इज हाउ द स्टिक लुक्स लाइक. दिस इज अ रेड कलर. सो आई एम गोना ट्राई इट ऑन टू माई लिप्स एंड ऑन टू माई चीक्स. Oh God. This is also very good. Blood red color बिल्कुल नहीं है. It's so light. So इसका price मैं आपको बता देती हूँ. It retails for ₹830. And now I'm gonna try this onto my cheeks and see how does the color looks like.
my lips start looking so plump, they are so moisturized, and pigmentation to sabki hi bahut zyada achhi hai. Very smooth application. You can use this as a lipstick and also as a blusher. So iske itne sada benefits hain. I think it's worth it. Jaise ki aapko pata hai, main apne haul videos mein bhi batati hu ki main quality ka bahut zyada dhyan rakhti hu. So I think very good quality. So visit Macron site. The link is in my description. And sari trends ke link bhi main apne description mein dal dungi. Just go there, check it out and select your shade and grab your tint. So yeah, thank you so much for watching this video and I will meet you again in my next video. Till then, stay safe and be beautiful. Bye everyone.